हेलो एवरीवन, हेलो प्रज्वल, हेलो राहुल ऑडियो, हेलो अनीश, हेलो डीजे रॉक्स, सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम मेरे शो रवीश टॉक्स में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो दिशांत याग्निक हैं। दिशांत याग्निक एक फॉर्मर आईपीएल क्रिकेटर रह चुके हैं, वो राजस्थान रणजी क्रिकेट भी खेल चुके हैं, वो इनफैक्ट वो राजस्थान टीम के कैप्टन रह चुके हैं। और अब उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद अब वो प्रोफेशनल क्रिकेट कोच हैं। तो वो राजस्थान रॉयल्स टीम में फील्डिंग कोच हैं, उसके अलावा पौंडीचेरी क्रिकेट टीम के मेन कोच हैं, और उसके अलावा वो अंडर 19 टीम को भी कोचिंग देते हैं। तो ये तो एक शॉर्ट बायो है दिशांत याग्निक का, क्रिकेटर जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो मैं देखता हूँ अगर वो ज्वाइन हो चुके हैं, वो ज्वाइन हैं ऑलरेडी, तो मैं उनको ज्वाइन सिलसिला चालू करते हैं। एवरीबॉडी हेलो हेलो सीमा, थैंक यू सो मच। जी जी अंकित, हेलो वेलकम। हेलो दिशांत, क्या हाल है रवि? बहुत बढ़िया, हाउ आर यू? हाउ आर यू? गुड गुड, बैठे हैं बस घर पे। आपको आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियरली? हाँ हाँ, आ रही आपको? आ रही मेरी आवाज? हाँ, क्लियर आ रही है। अच्छा, तो सबसे पहले थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। आई नो आप बहुत बिजी हो, आप लॉकडाउन में भी काफी बिजी चल रहे हो, बट थैंक यू मेरे से बात करने के लिए। एंड बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आप सेकेंड टाइम अभी डैड बनी हो रिसेंटली, तो उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू। ओके, तो मैं अभी रिसेंटली लॉकडाउन के बाद थोड़े से ऐसे तो शुरू फर्स्ट 2 वीक तो खाली थे, बट वही है ना कि जब आप कोचिंग करते हो तो ऑनलाइन भी आजकल लड़के बहुत सारे फीडबैक्स मांगते हैं, क्योंकि रूटीन में रहना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी ये खुलेगा, जब भी ये चीजें ठीक होंगी, वो आउट ऑफ स्पेस ना लगे उनको, वो रिदम में रहे। ऐसा ग्राउंड वाला रिदम तो नहीं आएगा, बट एटलीस्ट दे अंडरस्टैंड देयर गेम कि भाई मैं ऑनलाइन कर रहा था तो मैं क्या चीजें सही कर रहा था। तो जैसे ग्राउंड पे जाएंगे तो एकदम आउट ऑफ स्पेस ना लगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि आपका लॉकडाउन कैसा जा रहा है, आप लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं? पहले 1 वीक में तो मुझे समझ ही नहीं आया कि, क्योंकि जितने साल मैं क्रिकेट खेला हूँ, 21 ईयर्स क्रिकेट खेला हूँ मैं, और एट द एज ऑफ 13 मैं बाहर ही रहा हूँ, टूर्स पे, होटल्स पे, तो कभी एक साथ घर में रहने का मौका मिला नहीं है। 3 वीक्स 2 वीक्स तक घर में रहा हूँ, मैक्सिमम टूर पे रहता हूँ। लेकिन जब लॉकडाउन बढ़ा, फर्स्ट 2 वीक 3 वीक हुए, तो थोड़ा सा ऐसा होने लग गया कि कुछ अलग हो रहा है, मतलब आदत नहीं है कभी भी इतनी घर पे रहने की। Correct. तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी होता है, ग्राउंड पे जो रोज का रूटीन है, ग्राउंड पे जाना, पहले खेलते टाइम, फिर अभी कोचिंग का टाइम, जो रूटीन रोज का फॉलो करना, सुबह उठ के 5:30-6 बजे ग्राउंड जाना, तो सडनली आप जब सुबह उठते हो तो एक क्लिक होता है कि हाँ जाना है, फिर सडनली याद आता है नहीं यार लॉकडाउन है, तो वो एक मोमेंट होता फ्रस्ट्रेशन। लेकिन एक्चुअली जरूरी है घर पे रहना, हमको फॉलो करना चाहिए गवर्नमेंट के जो भी हेल्थ जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके गाइडलाइंस हैं। तो हाँ, लेकिन बहुत सारी चीजें घर की सीखी है इस लॉकडाउन में। ओके, अच्छा, मेरे को आप अपनी क्रिकेट जर्नी के बारे में बताइए। क्रिकेट जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। मैं भी कभी सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद क्रिकेटर बनता कि नहीं बनता डिपेंड करता है। क्रिकेटर जर्नी ऐसी है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड पूरा क्रिकेट का है। तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर दे वो ऑक्ट्रा ऑफिसर थे अंग्रेजों के, तो वो क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया उन्होंने इंग्लिश के साथ जब 47 से पहले। फिर मेरे ग्रैंडफादर उनके पश्चिम पे चले, थोड़ा सा उन्होंने भी क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। तो ऐसे करते पीढ़ी में, लेकिन कोई भी प्रोफेशनल ऐसा नहीं था, क्योंकि उस टाइम प्रोफेशनल क्रिकेट का इतना कुछ चलन था नहीं, बट दे यूज टू प्ले फॉर द स्कूल कॉलेजेस, कभी यूनिवर्सिटी चले गए। तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई है, तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे बांसवाड़ा में, उनके नाम से एक ट्रॉफी होती थी सेवालाल शील्ड। तो ये ट्रॉफी होती थी, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस ट्रॉफी होती थी, क्योंकि इसमें गुजरात की टीम है, एमपी की टीम है, इवन यूपी की टीम है, राजस्थान की टीम है, जो छोटे बड़े बड़े क्लब्स जो होते थे, दिल्ली की क्लब्स जो होते थे, वो खेलने आते थे, क्योंकि मिड 90s में कैश प्राइज बहुत कम होता था, तो वो एक टूर्नामेंट में कैश प्राइज होता था, तो सब ट्रैवल करके आते थे ये टूर्नामेंट खेलने, और भीड़ होती थी बहुत, 7-8 हजार लोग, 10 हजार लोग,
सेमीफाइनल में तो बड़े बड़े गुजरात के कोई बड़े प्लेयर होते, अंशुमन गायकवाड़ जी एक बार आए थे शायद। तो मैं क्या ये स्टोरिया सुनता था जब स्कूल से आता था तो डैड से पापाओं से, सो दे ऑल यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। तो मैं स्कूल में मेरा मन नहीं लगा, तो एक दिन मैंने स्कूल बंक किया और मैं चला गया ग्राउंड पे मैच देखने। तो उस टाइम मुझे याद है मैं सिक्स्थ में था शायद, हाँ सिक्स्थ में था। तो ऐसे में घर पे तो खेलते थे, घर पे ग्राउंड बना हुआ बड़ा सा हमारा 45 यार्ड का घर पे, जैसे मैंने आपको बोला बैकग्राउंड क्रिकेट का ही था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे घर पे थोड़ा अच्छा था घर बांसवाड़ा में, तो हम लोग तो बच्चे खेलते ही थे। लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेट देखने के लिए जो अंदर जुनून था बंक करके चला गया। मेरा एक दोस्त को भी लेके गया था मैं, हितेश करके लड़का था। तो मैंने जब मैच देखा तो डिफेंस हो रहा है तो तालियां बज रही है, चौका लग रहा है तो तालियां बज रही है, कोई विकेट ले रहा तो तालियां बज रही है, कोई फील्डिंग कर रहा तो तालियां बज रही है। तो मैंने कहा यार अपन लोग इतना मतलब अरे हर एक बॉल पे इतना रेस्पेक्ट मिल रहा है तो गजब, मेरे को भी बनना है, मैं भी क्रिकेटर बनूंगा, मैं भी डैड हाँ मेरी ग्रैंड फादर जैसा बनूंगा, ग्रेट ग्रैंड फादर जैसा बनूंगा, उनकी फोटोज थी बैट लेके, मेरे को भी ऐसा बनना है। वहां से मेरा क्रिकेट स्टार्ट हुआ। मैं ओके okay. तो आपने कितने साल की उम्र में चालू कर दिया क्रिकेट खेलना? मैंने मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट जो बैट को हाथ लगाया था मुझे याद है 10th या 10 साल का था या 11 साल का था। मेरे डैड को मैंने एक स्पोर्ट्स शॉप पे ले गया, 10 साल की उम्र में था, स्पोर्ट्स शॉप पे ले गया मैंने पूरा सामान स्पोर्ट्स शॉप के लिए। उस टाइम पे पैड बड़े होते थे, छोटे नहीं होते थे, तो डैड भी क्रिकेट खेले हुए थे तो उनको पता था कि कौन से साइज के पैड आएंगे तो नीचे से काट के छोटे हो सकते हैं, ऊपर से नहीं काटे नीचे से काटे, नीचे से तो वो सब चीजें हाँ। तो एज ऑफ 10 मैंने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे यहाँ पे हमारे कोच थे डीएल नागर सर, तो एक ही सीमेंट विकेट था, सीमेंट पिच था, तो उनके साथ खेलते थे हम। और फिर धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई, फिर स्कूल टूर्नामेंट हुआ था। एक्चुअली मेरा टर्न अराउंड स्कूल टूर्नामेंट हुआ था, तो स्कूल में जैसे रेड ग्रीन ब्लू येल्लो वो होते हैं हाउसेस, तो उसमें क्या हुआ कि मैं छोटा था, मैं 12-13 साल का था, छोटा था 12 साल का था। तो हमारी टीम में सब सब लड़के 10th के थे और हमारे ब्लू हाउस बताना है 10th के थे और 11th के थे। तो मुझे ऐसे बोले कि नहीं लग जाएगी तुम्हें, लग जाएगी तुम्हें, मत खेलो तुम लग जाएगी। मतलब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 2 साल से, मैं अकेडमी जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा ट्राई तो करो आप लोग। तो बोलते हैं फिर डैड की थोड़ा वो था टीचर के कि यार ये लड़का खेलता है आप देखिए। तो टीचर ने बोला कि अरे हरेंद्र जी ने बोला है यादव साहब ने, तो ले लो टीम में ले लो 12th man ले लो, चलो जैक लग गई 12th man ले लो। तो मुझे 12th man ले लिया। तो सडनली क्या हुआ कि एक एक मैच में जो पहला मैच तो हम हार गए, सेकंड मैच में क्या हुआ कि हमारा एक जो कीपर था वो कीपर आया नहीं, पता नहीं क्या हुआ उस टाइम याद भी नहीं मुझे आया नहीं। तो मेरे को बोला कि तू खेलेगा एक सप्ताह खेलेगा तुझे कीपिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला कि नहीं मैं तो फास्ट बॉलिंग करता हूँ, मैं छोटा सा टाइप का मैं फास्ट बॉलिंग करता हूँ, मैं कीपिंग नहीं करूंगा, मैं तो बॉलिंग करूंगा। बोले कि तुझे खेलना है तुझे कीपिंग करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं एक साथ कीपिंग करूंगा, 18 ओवर का मैच है मैं 9 ओवर कीपिंग करूंगा, 9 ओवर में जितने मेरे को बॉलिंग दोगे बॉलिंग करूंगा। तो बोले ठीक है चलो ओके इतना कर लेंगे। शुरू के 9 ओवर कीपिंग करी, बाद के 9 ओवर में मेरे को 1 ओवर दिया क्या ठीक है, 1 ओवर कितना रन देगा, 15-20 रन देगा क्या। उस ओवर में मैंने हैट्रिक ली थी फर्स्ट एवर बॉलिंग में। तो उस टूर्नामेंट हाँ उस टूर्नामेंट में मैंने कुछ 14 विकेट लिए थे और 119-120 रन बनाए थे 4 मैच में। सब लगा सबको, सब लोग फाइनल देखने भी आए थे, डैड मॉम सब स्कूल के प्रिंसिपल सब, ये 12.5 साल का बच्चा खेल रहा है इन बड़ों के साथ, तो उनको सबको लगा कि हाँ यार हाँ। और मेरे घर में आपको मैं बताऊं मेरे 5 अंकल्स हैं और मेरी बुआ 3 बुआ हैं, उनके भी सबके बच्चे सब क्रिकेटर, मतलब सब क्रिकेट खेलते थे। हमारे घर पे जो ग्राउंड है 45 का सब राइट हैंडर हैं, सिर्फ एकमात्र में लेफ्ट हैंडर बैट्समैन था। सबको लगा कि ये कुछ अलग है, तो वहां से मेरे को सुन सुन के लगा कि यार मैं कुछ अलग हूँ। तो वो एक माहौल बन जाता ना कि यार अलग है खेल सकते क्रिकेट, बाकी कोई भी नहीं खेला बाकी कोई नहीं खेला क्रिकेट, मैं खेल पाया। अच्छा चलिए, एक है ना आपका एक बहुत पॉपुलर वीडियो है, मैं पहले आपको वो वीडियो दिखाऊंगा, हमारे सारे व्यूवर्स भी वो वीडियो देखें, फिर मेरे को उस वीडियो से रिलेटेड आपसे कुछ पूछना है। ठीक है, मैं वो वीडियो चलाता हूँ, आप भी देखिए। Excellent shot. And again, keeping himself into a good position.
standing far back in the place. The crowd know there's a good match on here. It happened which 160 was. Look how far back he's behind the crease. How good is that? How good is that? Hence he got the elevation. This is a bit pretty up actually. Shame we still don't have the nice watch. ओके okay, ये वीडियो क्योंकि हम वीडियो कॉल पे है ना तो ये थोड़ा उल्टा हो गया, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड दिखा दिया ये, बट ये वैसे वैसे लेफ्ट हैंड है। अच्छा, जिन लोगों को समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ये थोड़ा सा दूर है, मैं उनको बता देता हूँ कि मलिंगा जो है वो बॉलिंग कर रहे थे और मलिंगा के बॉल पे इन्होंने विकेट के पीछे जाके शॉट मारा था, स्टम्प्स के भी पीछे, तो स्टम्प्स के पीछे जाके इन्होंने शॉट मारा था और वो शॉट चौका था। तो मेरा सवाल ये है कि क्या चल रहा था दिमाग में, ऐसी क्या दिमाग में खुराफात जा रही कि लोग गैप बनाते हैं, लोग पीछे जाते हैं, बैकफुट पे जाते हैं, बैकफुट के आप स्टंप के पीछे जाके आपने चौका मारा, क्या चला था उस दिमाग में, क्या सोच थी आपकी? अच्छा, इसके पीछे ना ये जो चौका है वो रिजल्ट दिख रहा है एक्चुअली, इसके पीछे पूरा एपिसोड है। अगर इसके प्रीवियस ओवर में जाओगे मलिंगा के, तो उसमें मैंने क्या है कि तीन बाउंड्री मारी थी, एक शॉर्ट पैन लेग पे, एक स्क्वायर लेग पे, एक मिडिल विकेट के ऊपर। तो और एनलिस्ट जितने भी होते हैं तो वो क्या करते हैं, एनलिस्ट करते हैं कि भाई ये कहाँ पे अच्छा खेलता है, लेग स्पिन पे अच्छा खेलता है ये। तो उन्होंने जो लास्ट ओवर था उसमें उन्होंने मेरे को ऑफ स्पिन के बाहर की फील्ड रखी थी, मतलब थर्ड मैन भी पीछे, पॉइंट भी पीछे, सब कुछ पीछे। और मलिंगा ने दोनों बॉलें बहुत अच्छी ऑफ स्पिन के बाहर यॉर्कर देखी थी, जिसपे मेरे को एक एक रन मिला था। अब रन बनाना जरूरी है क्योंकि लास्ट ओवर था। तो और बोलते हैं ना कि कोई चीज आपने कोई प्रैक्टिस की होती है तो आपको हमेशा कहीं ना कहीं पे देती है आपको फायदा। तो ऐसे मैंने ग्रीन ग्रीन कलर की जो हार्ड बॉल होती है रबर की, उससे मैंने खूब प्रैक्टिस की होती है, गीला करके वाइड यॉर्कर या फिर खुद की यॉर्कर, जिसको लिफ्ट करना है मुझे मिड ऑन के ऊपर या मिड विकेट के ऊपर या मिड ऑफ के ऊपर। तो बात ये हो रही थी मेरी और हॉज की दो बॉल पे एक एक रनना है। वी हैव टू गेट बाउंड्री क्योंकि वंस वी गेट वन ओवर 160 देन वी हैव अ ग्रेट चांस टू विन दिस प्लेऑफ। तो मैंने उसको बोला कि लेट मी ट्राई समथिंग। तो जब मलिंगा भागा तो फील्ड थी मिड स्क्वायर लेग ऊपर, फाइनल लेग ऊपर, मिडिल विकेट ऊपर। तो मैंने कहा इसको कैसे कैसे इसको एलिवेट किया जाए कि उसके ऊपर चला जाए। तो मैंने कहा कि जैसे वो जम्प करेगा मैं एक स्टेप पीछे हो जाऊंगा, लेकिन ये मुझे भी नहीं पता कि मैं इतना पीछे चला गया स्टंप के पीछे। बात ये खराब हो जाती है कि अगर मैं पीछे गया और मेरे बम से अगर बेल्ट गिर जाती तो और एम्बेरस फील होता, इंजर्ड हो जाती। बट द थिंग इज दैट वो ऑफ स्टंप के बाहर इतना बढ़िया वर्कर फेंक रहे थे, तो कुछ भी एलिवेशन करने के लिए मुझे पीछे जाना ही था। मैं इतना पीछे चला गया मुझे पता नहीं था। जैसे ही फर्स्ट इनिंग खत्म हुई, पैडी अपन और राहुल भाई मेरे पास आया कि व्हाट यू डिड। तो मैंने कहा कि व्हाट आई डिड। फिर उसने वीडियो मैसेज को बोला कि भाई इसको दिखा इसने क्या किया। जब मैंने देखा, मैं किटिंग और पैर पहन के रेडी था बिल्डिंग में जाने के लिए। मैंने कहा ये क्या हो गया यार। फर्स्ट दो ओवर तक मेरे दिमाग में सिर्फ वही चल रहा था कि ये क्या हो गया, ये इतना पीछे चला कैसे गया मैं। मतलब अभी आप खेलते हो तो आपको पता नहीं होता, और मैंने बड़ी स्क्रीन पे भी नहीं देखा कि ये सब दिखाया, बड़ी स्क्रीन पे भी देखा नहीं मेरे को ये सब दिखाया। कि मेरे दिमाग में तो नेक्स्ट बॉल की प्लानिंग चल रही थी कि अब क्या फेंकेगा और मुझे अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो हाँ, तो ये जो हुआ है एक्चुअली, ये मेरे को बहुत सारे लोगों ने ट्रेडमार्क बोला मेरे को कि यार सर आप कितना भी आईपीएल खेलो, आपने सचिन सर को स्टम्प किया, आपने ये किया वो किया, हमें कुछ याद नहीं, हमको एक चीज जरूर याद है कि आप पीछे जाके आपने पीछे जाके शॉट मारा। मेरे को लेकिन हाँ, इसमें मेरे को एक बड़ी बात ये लगी कि आदित्य तरे जो कि मुंबई इंडियंस खेल रहा था, कीपर है, मेरा अच्छा फ्रेंड है, तो इसमें जब ब्रेक हुआ था तो ड्रेसिंग रूम में सचिन पाजी ने आदित्य को बोला था कि उसको कन्वे करना कि अमेजिंग शॉट, अमेजिंग थिंकिंग थी उसकी। तो जब मैच के बाद आदित्य ने मुझे बताया, मैच के बाद खत्म होने के बाद, कि पाजी भी बोल रहे थे कि अमेजिंग थिंकिंग थी। तो मैंने सोचा यार सब लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने देखा तो है ये सब है, लेकिन ये मैंने कुछ किया नहीं है, ये सब अपने आप हुआ है। मैं तो सिर्फ कोशिश कर रहा था कि एलिवेट कर दूं बस। चलिए, बहुत अच्छा। ये एक मेरा सवाल है, आपने 2017 में 34 इयर्स की एज में आपने रिटायरमेंट लिया, कितना मुश्किल था वो डिसीजन? आप अच्छा भला खेल रहे थे, आपने रिटायरमेंट का जो डिसीजन लिया, क्या मतलब कितना मुश्किल था एक गेम जिससे आप इतना प्यार करते हो उसको छोड़ना? नहीं, मैं सब चीजें प्लानिंग से कर रही थी। जब मैं आईपीएल
स्टार्ट किया खेलना, तब मेरी प्लानिंग थी कि मुझे इंडिया खेलना है, एटलीस्ट इंडिया के छोटे फॉर्मेट में खेलना है, T20 में या फिर वनडे में। तो बहुत बार प्रोबेबल्स में नाम भी आया, NCA में भी बुलाया गया था। तो सब चीज प्लानिंग से कर रहा था मैं कि मेरे को इस उम्र से इस तक के लिए इंडिया के लिए ट्राई करना है, जहां से यहाँ खेलूंगा तो मुझे मेरे कैरियर को किस टाइम ग्रूम करना है। फिर मेरा हमेशा से मैं नीदरलैंड में भी क्लब क्रिकेट खेलता हूँ, तो मुझे वहां पे भी मैंने अंडर 19 की नीदरलैंड टीम को कोच किया हुआ है जब मैं खेलता था, तब भी जब मैं 30-31 ईयर्स का था तब भी। तो प्लानिंग प्रॉपर थी सब कुछ की मुझे इस टाइम पे खेलना है, इस टाइम पे खेलना है और इस टाइम पे खत्म करके मुझे कोचिंग में घुसना है। और कोचिंग में एटलीस्ट मैं अपने आप को 1 या 2 साल दूंगा पहले खुद को मोल्ड करने में कि कैसे कोच बनता है, उसके बाद में फिर ये रिटायरमेंट का और करके कोचिंग करूंगा। बट द थिंग इज दैट उस साल जब मैं रणजी ट्रॉफी खेला तो ऐसे ही जब मैं ऐसे अलोन टाइम होता है बैठे होते हैं तो मुझे लग रहा था कि यार आप 50 मैच खेले हो, 60 मैच खेले हो या फिर 75 मैच खेले हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। मतलब आप इंडिया नहीं खेल सकते हो, अब आपका इंडिया का चांस बहुत खत्म है, आप नहीं खेल सकते हो। तो वो जो 3 साल का क्वेश्चन मैंने जो लिया था कोचिंग के लिए कि यार मैं 37 में रिटायर होऊंगा, 40 में कोचिंग स्टार्ट करूंगा, दैट विल बी लेट एज अ फील्डिंग कीपिंग कोच, क्योंकि फील्डिंग कीपिंग कोच फिट होना बहुत जरूरी है, बहुत यंग होना जरूरी है, क्योंकि आपको आपको 3 घंटे तक कैच मारना पड़ता है। आईपीएल में आपने तो देखा ही है कि आपको 3 घंटे तक पूरी टीम आती रहती है, चार चार ग्रुप में और 25 का ग्रुप होता है, तो आपको आपको यू हैव टू बी वेरी फिट। और सेशन भी यू नहीं कि एक ही लेना, आपको सुबह भी सेशन हो सकता है, शाम को भी हो सकता है। तो मैंने सोचा कि 35 का होने वाला था मैं, 35 में लू तो फिर 37 तक मैं पहुंच सकता हूँ, 38 में लूंगा तो इट विल बी लेट। और फिर मेरा फर्स्ट 2 मैच भी अच्छा नहीं गया था रणजी ट्रॉफी का, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं बहुत ऑनेस्ट इंसान हूँ, क्योंकि मेरा उस टाइम दोनों मैच अच्छे नहीं गए और मैंने मेरी लाइफ में 150-200 कैच पकड़े, लेकिन उस साल खलील की हिम्मत से मैंने 2 कैच छोड़े थे उस मैच में। देन आई डिसाइडेड कि यार व्हाई टू ड्रैग दिस कैरियर, क्या कर लूंगा एक्स्ट्रा 20-15 मैच और खेल लूंगा, लेकिन उससे फायदा क्या है। अल्टीमेटली जो मुझे करना है, कोचिंग करनी है और मुझे कोचिंग में आगे जाना है, इंडिया क्रिकेट नहीं खेल सकता पर इंडिया कोचिंग में मुझे जाना है, मेरा जो एम है उसके लिए मुझे जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने रिटायरमेंट लिया था। सब शौक से मुझे पता है, इवन मेरी वाइफ और जो मेरे कोच है सब लोगों ने कहा कि यार प्लीज रीथिंक अबाउट दिस। बट मैंने बहुत जो लाइन उनको जैसे अभी बताया ये तो बहुत मैंने आपको शॉर्ट में बताया, मैंने बहुत सारी चीजें उनको सीक्वेंस में बताई, देन दे अंडरस्टैंड कि नहीं जरूरी है, अब आपका डिसीजन है। अच्छा, आप अपने रणजी के एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, आप राजस्थान टीम के कैप्टन भी रह चुके हो, तो किसी टीम का और अपने स्टेट का कैप्टन बनना, वो कैसी फीलिंग है? नहीं, अमेजिंग फीलिंग है। आप देखो कि जैसे आप अभी डीजे हो, ठीक है, और आपको अगर मौका मिले कि आप सनबर्न में बजाओ और आपके अंडर में 10 डीजे हो टैलेंटेड, तो आपका फीलिंग क्या होगा कि नहीं यार टैलेंटेड है और मैं बजा रहा हूँ, तो आप स्पेशल फील करते हो। तो थिंग इज दैट कि जब मैं कैप्टन था तो मेरे अंडर में आई एम कैप्टनिंग अशोक मिनारिया, पंकज सिंह, अनिकेत चौधरी, दीपक कार, नागरकोटी, खलील अहमद, महिपाल लमरोर, तो राहुल चाहर, सो मेनी इंडिया मटेरियल्स, और ऑलमोस्ट सब कुछ खेल ही गए थे, तो वो अलग एक्सपीरियंस होता है। एंड देन दे ओबे योर डिसीजन कि भाई तुम्हारा मैंने डिसीजन ये लिया, आपको ये करना है, ये किया। तो और एनीवेज राजस्थान, मैं हमेशा से बोलता हूँ, मैं एट द एज ऑफ 18 भी मैंने एक इंटरव्यू दिया था, जब 18 का था तो लोगों में बहुत कमक्कुल होती है, उस टाइम मैंने एक मैं आपको हेडलाइन को भी दिखाऊंगा इंस्टाग्राम पे, मैंने उस टाइम एक इंटरव्यू दिया था जयपुर में कि राजस्थान में जितना टैलेंट है यहाँ से कम आने वाले टाइम पे 5 या 7 जन इंडिया खेलेंगे, उस टाइम पे बोला था मैंने। तो मतलब मेरे को बहुत प्रिविलेज फील होता है कि अनबिलीवेबल टैलेंट का मैं कैप्टन रहा हूँ। मेरा भाई भी अभी एंटर हुआ है, प्रतीक, ठीक है, क्या हाल है? अच्छा, मैं इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि इंडिया में हर बच्चा जब पैदा होता है ना, तो पैदा होने के 1 साल बाद ना उसको पहला गिफ्ट जो मिलता है वो एक प्लास्टिक का बैट बॉल मिलता है, और तभी से हर बच्चा सपना देखता है कि मेरे को क्रिकेटर बनना है ना। तो इंडिया में करोड़ों बच्चे ये सपना देखते हैं, आपने वो सपना जिया है, आप एक क्रिकेटर बने हो, तो वो मतलब अपना खुद का एक ड्रीम पूरा होना, वो कैसा फील होता है? देखिए, जो चीज लोग हमेशा मेरे को बोलते हैं कि जो आपका शौक है वही आपका जॉब है, तो आपको कैसा फील होता है? तो मतलब आप अलग फील करते हो, क्योंकि जो आपने बचपन में जब आप छोटे होते हो
टीवी पे देखते हो लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बंक करके गया, मैंने मैच देखा, लोग तालियां बजाते थे, तो आप क्या करते हो कि आपका चेहरा निकाल के जो खेल रहा होता है उसके चेहरे पर लगा देते, इसमें इमेजिन करते हो कि करेक्ट मैं, यार मैं भी ये कर रहा हूँ, सब मेरे लिए ताली बजा रहे हैं, तो वो जो चीज आपने सोची होती है और वो आपके सामने अब हो रही होती है, तो यू फील वेरी प्राउड। और स्पेशली इंडिया के जो इसके बच्चे, एक एक मैसेज भी उन सबके लिए कि कोई अगर आपको ड्रैग कर रहा है कि यार नहीं तू बन, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन वंस यू स्टार्ट बिलीविंग योर सेल्फ कि यार नहीं यार मैं सही में ये कर सकता हूँ, तो फिर आपको कोई नहीं कर सकता, क्योंकि क्योंकि जो फ्लड होता है, क्योंकि बाढ़ होती है, उसको आप थोड़ी देर तक होल्ड कर सकते हो, हवा है उसको थोड़ी देर तक होल्ड कर सकते हो, लेकिन वो जब डबल फ्लो में आता है तो सब कुछ उड़ा देता है। तो आप जब डबल फ्लो में आओगे, आपके ड्रीम के साथ डबल फ्लो में आओगे, तो आप आपका जो एंड ड्रीम है वो आप पूरा करके मानोगे। अभी डीजे चिकू भाई ने भी आपको हेलो बोला है, वो भी लाइव है साथ, अपने साथ आई देख चीकू, रहे हाउ हैं। आर यू, कहाँ दुबई में आजकल कहाँ पे है वो? जयपुर है, जयपुर, जयपुर है वो। जयपुर ही है बीच में। अच्छा हाँ, अभी वो तो उसके लिए गए, शो के लिए गए थे। नहीं, दुबई, दुबई भी रहते हैं, दुबई में भी घर है, बट अभी बैंगलोर में भी घर है, अभी हाल फिलहाल जयपुर है, और अभी तो लॉकडाउन है तो जयपुर में ही है, उसके बाद जाएंगे। अच्छा, एक मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि बहुत सारे ना ऐसे किस्से आते रहते हैं, हम लोग पेपर में भी पढ़ते हैं, वीडियोस भी आते हैं, क्रिकेटर्स ने एक दूसरे के साथ प्रैंक करते हैं, चाहे वो ड्रेसिंग रूम में हो या ट्रैवल करते हुए हो, बस के अंदर हो, टीम बस के अंदर हो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको प्रैंक किया हो या आपने किसी को प्रैंक करा हो, कोई ऐसा कोई मजेदार किस्सा है? बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे, लेकिन मैं लेटेस्ट आपको बताता हूँ कि हमारे राजस्थान रॉयल्स की बात बताता हूँ। बहुत जबरदस्त किस्सा है हमारे राजस्थान रॉयल्स में। क्या है कि हम जो आपके पीछे स्टेडियम के पीछे लस्सी वाला एक सूडानी, हाँ तो हाँ सूडानी लस्सी वाला होता है, वहां से हमेशा लस्सी आती है सबके लिए प्रैक्टिस के बाद, लेकिन वो शुगर से आती है क्योंकि हम लोग हेल्थ हाँ से शुगर वो नहीं करें अवॉइड करते कॉम्प्रोमाइज, हैं। तो हाँ शुगर फ्री हाँ लस्सी आती है। लेकिन लेकिन 5 लस्सी ऐसे आती थी जो शुगर वाली आती थी, वो ऐसे लोगों की रहती थी जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के थे, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन जो घूमते थे हाँ इंटरव्यू के लिए। 5 लस्सी ऐसी थी जिसमें शुगर वाली आती थी। तो जैसे हम लोग कोचेस आपस में कमिट करते हैं कि नहीं, वी हैव टू सेट एग्जाम्पल कि भाई हम मीठा नहीं खाएंगे ताकि बच्चों को क्रेविंग ना हो, आपके चावल भी नहीं खाएंगे बच्चों के सामने, प्लेयरों के सामने, तो उनको क्रेविंग ना हो, तो हमने डिसाइड किया होता था हमने। और वी आर वेरी प्रिसाइस, हाँ वेरी वेरी प्रिसाइस, मतलब कुछ भी खा रहे हैं ना तो, और यू क्रेविंग भी होती है ना कि यार यार प्रैक्टिस कर ली, 3 घंटे मार लिए कैच और सामने दिख रहा है कि और मस्त कुछ पड़ा हुआ है खाने को, लेकिन तो भी हाँ कंट्रोल। तो मेरे को लगता है संजू ने किया था, मुझे अभी भी हम अभी तक रिवील नहीं हुआ प्रैंक केस में किया था, उस लस्सी में जो मीठी 5 लस्सी थी उससे से निकाल के एक लस्सी फीकी वाली बंच में रख दी गई थी, और मैं वहां से आया हुआ था और मुझे बोला गया था कि याजी भाई आपकी लस्सी वहां पड़ी हुई है। तो जो हमारे कोचेस होते हैं जैसे जुबिन सर वगैरह सब हैं, तो वो क्या होता है कि भाई जुबिन सर को भी लस्सी पसंद है कि भाई टिक्की देते हैं तो लस्सी पी रहे होते हैं, तो मैं चखने वाला था, ऐसे करने वाला था, और तो मैं सब आ गए, रुको 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 उनकी लस्सी देखो ये मीठी पी रहे हैं, मैंने कहा मीठी पागल हो गए, नहीं तो मेरी लस्सी उठा के चखाई तो मीठी थी। फिर सबने कहा सर गलत बात है, आप हमको नॉट सबको फेयर। बोल रहे हो हाँ कि फीकी पी रहे हो, आप खुद मीठी पी रहे हो। मैं उस टाइम स्टन शॉक था कि ये हुआ क्या, मैंने तो फीकी के बंडल में से लस्सी उठाई थी, मीठी कैसे आ गई मैं तक। फिर मुझे बाद में बस में पता है कि किसी ने, नाम अभी तक नहीं पता किसने किया, पर किसी ने उसमें मीठी वाली पर लस्सी आपको रखी थी। आपको शक शक किस पे है? संजू सैमसन पे 100% 100%। 100% पर वहीं उनको पर देख है के संजू, लगता नहीं है वो बड़े 100%। बड़े शांत स्वभाव के, उनको देख के ऐसे लगता नहीं है एकदम, मतलब अरे ही इज वेरी डेंजरस रवि, आई टेल यू ही इज द मोस्ट डेंजरस थिंग, मतलब वो उनके प्रैंक ऐसे होते हैं कि साइलेंट किलर होता है ना, वैसे प्रैंक है संजू के, और वन ऑफ द बेस्ट गाय, मतलब आई एवर अक्रॉस क्रिकेट फेटर्निटी में सुपर्ब लड़का है, वन ऑफ द बेस्ट। हाँ, वैसे तो ही इज अ वेरी फाइन क्रिकेटर, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। 2013 से जब से टीम से जुड़ा हूँ तब से देख रहा हूँ गेम खेलते हुए, और दिन पर दिन गेम निखरता ही जा रहा है। पर मतलब उनको देख के वैसे लगता नहीं है कि वो इस टाइप का प्रैंक कर सकते हैं, है ना? वो एक लगता है ना हाँ आदमी के अरे चेहरे को देख बहुत के। बड़ा प्रैंक, बहुत बड़ा प्रैंक सर है वो, बहुत बड़ा, वो श्रेयस गोपाल डेंजरस डेंजरस लोग हैं हमारे उसमें। महिपाल, महिपाल तो भी थोड़ा सा ऐसा हल्का सा वो करता है, लेकिन संजू, संजू अलग लीग में। अच्छा, अब थोड़ा सा क्रिकेट से एक सवाल क्रिकेट से हटके है कि आप अपने खाली टाइम में किस टाइप का म्यूजिक सुनना पसंद करते हो? मैं डाई हार्ट ए आर रहमान फैन हूँ, और बहुत कम लोगों को पता है, मतलब इवन सिर्फ मेरे वाइफ और शायद मॉम डैड को भी नहीं पता है कि मैं जब ए आर रहमान का
गाना सुनता हूँ ना अंधेरे में तो मैं रोता हूँ एक्चुअली, मतलब एयर आ जाता है मेरे को, इतना इमोशनल लगता है एयर रहमान के जितने भी कंपोजिशन है, जितने भी कंपोजिशन, जैसे वो लुक्का छुट्टी गाना है इसका, रंग दे बसंती का, फिर इसका गुरु गुरु पिक्चर का गाना है हैरत है, तो उसकी कंपोजिशन अनबिलीवेबल होते हैं ए आर रहमान हैंड्स डाउन। मतलब मैं जितने भी ए आर रहमान का कोई साल कभी कितने सालों में जब भी क्रिकेट खेला हूँ, जब टेप वो था ना कैसेट डालते थे छोटा सा वॉकमैन, तब से लगाकर यहाँ तक ये आ गया आजकल ये पहुंच जाते हैं, तब तक तब से स्टार्ट किया था ए आर रहमान और अभी तक ए आर रहमान अभी है। तक ए आर रहमान। अच्छा आपने साथ अभी लाइव वो भी हैं आपकी पॉन्डिचेरी टीम के प्लेयर फाबिद अहमद, उन्होंने भी अभी आपको हाई बोला है। फाबिद दिवाकर भी है, दिवाकर दिवाकर को भी हेलो, फाबिद एंड दिवाकर दोनों को हेलो, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मेरा अगला गौरव भी क्वेश्चन आया है था कि बीच में, मैंने गौरव को बीच में गौरव को भी देखा था शायद मैंने। हाँ आई एम श्योर वो भी होंगे, कमेंट पीछे चला गया होगा थोड़ा। अपन एक बार जब मेरे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गया था एक बार कमेंट्स देख लेंगे, जो सवाल होंगे वो ले लेंगे। मेरे पास कुछ मेरे फैंस के भी जवाब क्वेश्चंस हैं आपके लिए, तो वो भी मैं एक बार लूंगा। मेरे को ये बताओ कि आप अभी राजस्थान रॉयल्स के फील्डिंग कोच हो, आप पॉन्डिचेरी टीम के कोच हो, आप अंडर 16 के भी कोच हो, तो यंग टैलेंट को कोचिंग करके अब कैसा फील होता है? जैसा मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर से आया हूँ, बांसवाड़ा जैसे जगह से आया हूँ, तो जब सब तरह खुशी मुझे जब होती है जब अंडर 16 के बच्चों को उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है और उस लेवल की कोचिंग मिलती है, तो बहुत खुशी होती है जब अंडर 16 के बच्चे परफॉर्म करते हैं। और टैलेंट मैंने आपको पहले बोला है कि कमी नहीं है इंडिया में, राजस्थान में तो जो टैलेंट देखता हूँ मैं, जैसे हमारे जमाने में जब मैं छोटा था तो बैट बैट से बॉल मिडल करने की फाइट थी उस टाइम पे, कि बैट से बॉल मिडल हो जाए तो हम अपने आप को अच्छा फील करते थे अंदर से, क्या बैट से बॉल मिडल हो रही है फर्स्ट क्लास। आज के टाइम पे जनरेशन चेंज हो गई है, दे वॉन्ट टू प्ले कि सर रिवर्सिंग कैसे खेलनी है, बॉल कट होगा तो कैसे खेलनी है, टर्नर पे कैसे खेलना है, स्पिनिंग ट्रैक पे, तो उनका जो तरीका है सीखने का क्विक लर्नर, उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। एंड और मैं आपको फील्डिंग और कीपिंग में बताता हूँ कि जब इंडिया कैंप में था 16 में, इंडिया कैंप में अनबिलीवेबल टैलेंटेड थे, उनको जो मूवमेंट जो ट्रिगर मूवमेंट होते हैं जो भी चीजें मैं सिखा रहा था ना, एंड दे गेट इट इन 2 एंड 3 डेज। मतलब मैं मेरे जमाने में जाऊं पीछे तो वी यूज टू टेक 4 4 5 वीक्स और वो 3 3 डिलीवर करते हैं, तो अमेजिंग टैलेंट, बहुत खुशी होती है 16 वालों को लड़कों को देख के। अपने साथ अंकित अंकित वशिष्ठ भी हैं, वो भी आपको हेलो बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई को रेडबुल अरे पिलाओ, भाई को रेडबुल पिलाओ, और ये भी पूछ रहे हैं कि गजेंद्र कैसे हैं। मैं नहीं पहचान पाया गजेंद्र, गज्जू क्योंकि आप ठीक कह रहे है, हैं। हाँ गज्जू गज्जू लेफ्ट ऑफ स्पिनर बिकाने वाला, एकदम बढ़िया है अच्छा वो, फर्स्ट क्लास डैड अच्छा बन गया अच्छा वो भी। अच्छा मेरे को एक और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर आपको वापस मौका मिले, है ना, अगर आपके पास चॉइस हो कि खेलना है या कोचिंग देनी है, तो क्या चूज करोगे? मतलब अगर मेरे को इस हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में अगर एज डाल दोगे तो 100% खेलना है। 100% खेलना है। अगर मुझे अच्छा कोई एक चीज बोले ना कि तेरे जितने, मुझे अगर अभी भी कोई बोले ना कि तेरे जितने भी अचीवमेंट है, जितने भी तो आईपीएल खेला है, जितने भी रणजी ट्रॉफी के मैच खेला, इतने साल खेला है, वापस सब हम 0 कर देंगे और तेरे को हम वापस 19 साल का बना देंगे, मैं एनी डे ले लूंगा, एनी डे, क्योंकि अच्छा अंकित का एक और कमेंट आया कि सॉरी बीच में इंटरप्ट कर दिया। लाउंज जीती। हाँ लाउंज 18 के दिन याद आ रहे हैं। बहुत अच्छी पार्टीज हुआ करती थी वहां पे, आफ्टर पार्टीज। सुपर सुपर, अच्छा हाँ वही वही, एनी डे मैं ले लूंगा, क्योंकि क्योंकि जो जैसे बड़े बड़े लोग भी कहते हैं और मैं बहुत फील करता हूँ कि जब आप बीच में बैटिंग करते हो और आपके लिए लोग क्राउड चिल्लाती है और आप कवर ड्राइव मारते हो मिड ऑफ और कवर के बीच में से स्ट्रेट ड्राइव मारते हो और जब मैच जिताते हो आपकी टीम के लिए, तो वो जो फीलिंग है वो कितने पैसे से भी नहीं आता, कि आपके पास कुछ भी हो, आपके पास मर्सिडीज हो, बंगले हो, वो जो फीलिंग है वो फीलिंग पैसों से आ ही नहीं सकती है। करेक्ट। अच्छा आप अपनी खुद की फिटनेस कैसे मेंटेन करते हो, उसका राज बताओ। हाँ जैसे मैंने आपको बोला कि फिटनेस फिटनेस का मैं बचपन से ही, मेरे को फिटनेस का शौक है, मेरे को भागने का बहुत शौक है, तो ये भी एक बहुत स्टोरी है, क्योंकि क्या होता है जब मैं छोटा था ना तो मैं घर पे सुनता था मेरे बुआ वगैरह से कि हमारे यहाँ से 14 किलोमीटर दूर एक बांसवाड़ा में एक गणेश जी का मंदिर है, तलवाड़ा गणेश जी, उन्होंने कहा कि वहां पे जब अगर कोई जाता है सुबह उठ के पैदल या भाग के तो उसकी मन्नत पूरी हो जाती है, तो अपन उस जमाने में हमारा माउंट आबू कैंप होता था, उसका सिलेक्शन का नाम निकलने वाले थे, तो
तो मैं छोटा था तो मैंने भी सुना ऐसे घर वालों को, तो घर वालों को बिना बताए सुबह उठा और 5:30 बजे भागने जूते पहन के चला गया भागने, 13 साल, 12-13 साल की उम्र में। तो उस टाइम में जब गया और वापस आया तो शाम को जब थक गया, सुबह उठ के 5 बजे 14 किलोमीटर भागा, छोटा सा बच्चा, वापस आया थक के सो गया, शाम को 7 बजे उठा। तो 7 बजे उठा तो हमारे सेक्रेटरी का फोन आया कि भाई तेरा माउंट आबू के कैंप में सिलेक्शन हो गया। तो मुझे लगा तो बात सही हो गई। तब से लगातार अब तक, जैसे अभी भी मैं बांसवाड़ा आया हूँ, 3 दिन हो गए अभी तो जा नहीं सकता, तब से लगातार अब तक हर वेंसडे को मैं सुबह उठ के तलवाड़ा गणेश जी भागने जाता हूँ, वहां से सक्सेस चलिए, बहुत तब आया है। बहुत अच्छे, मतलब भगवान की कृपा भी बनी है आपके ऊपर। मेरा बिल्कुल बिल्कुल अगला क्वेश्चन है कि एक जो T20 मैच है वो 3 घंटे का क्रिकेट मैच होता है, ठीक है, लेकिन उस जो क्राउड के पॉइंट ऑफ व्यू से लो कि जो स्टेडियम में क्राउड देखने आ रहा है उनके लिए 3 घंटे का मैच है, चाहे वो टीवी पे देखने वाले लोग हो उनके लिए 3 घंटे का मैच है, लेकिन उस 3 घंटे के मैच के पीछे क्या प्रिपरेशन होती है उसके बारे में बताओ, सालों मतलब की क्रिकेटर प्रिपरेशन प्लेयर 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 पॉइंट ऑफ व्यू से। सालों की प्रिपरेशन है। एक तो कोई भी एक मैच में आपको स्किल एग्जीक्यूशन के लिए साल लग जाते हैं, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर आईपीएल की बात करें तो जैसे आपको पता है कि आईपीएल स्टार्ट होता है मार्च एंड या अप्रैल में, लेकिन हमारा स्टार्ट हो जाता है कैंप जनवरी से। तो 4 तरह के कैंप होते हैं। एक तो पहला कैंप होता है कि सब आते हैं, स्क्रीनिंग होती है, स्किल कैंप होता है, फिर हर एक वन ऑन वन सबको कैसे तैयार करते हैं वो करते हैं, फिर उसके बाद कौन किस पोजीशन पे खेलेगा उसकी तैयारी होती है, फिर लास्ट जो मेन कैंप होता है वो एक टीम का कैंप होता है। उस टीम में एक ही मोटिव होता है कि टीम कैसे जीतेगी, कौन कहाँ फिट होएगा, कौन कौन सा क्रू कहाँ नटबोल किस जगह फिट होएगा, वो जो तैयारी है वो मेन तैयारी है उस 14 लीग मैचेस की। तो उसकी तैयारी हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि अगर आईपीएल का मैच 5 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है उसकी तैयारी 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाती है। 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, आईपीएल की बात करूं अगर मैं, तो आप शेन वॉन की कैप्टनसी में भी खेले हो, आप शेन वॉटसन की कैप्टनसी में भी खेले हो, आप राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी में भी खेले हो, तो इन लेजेंड्स के अंडर में खेलने का एक्सपीरियंस स्टीव स्मिथ की कैप्टनसी में भी खेला, स्टीव स्मिथ की कैप्टनसी हिंदी में भी खेला हूँ, हाँ स्टीव स्टीव स्मिथ की कैप्टनसी में भी स्मिथ। खेले हैं। हाँ स्टीव स्मिथ, तो इन 4 लेजेंड्स की मतलब कैप्टनसी में खेलने का एक्सपीरियंस कैसा? हाँ, जब मैं फर्स्ट टाइम जब आया था, जब 2011 में जब मैं टीम में एंटर हुआ तो मैंने सुना शेन था वॉन शेन के, वॉर्न की हाँ कैप्टनशिप, हाँ शेन वॉर्न की कैप्टनशिप के बारे में बहुत सुना था कि बहुत एक्चुअली मैं बहुत अनप्रेडिक्टेबल कैप्टन है। तो मुंबई इंडियंस के मैच की बात है, सब कुछ बोल दिया कि भाई इधर से शॉन टेट बॉल डालेगा, जैसे वो एंटर हुआ है और क्या होता है जब आप मीडियम पेसर पे कीपिंग करते हो तो आप पीछे कर रहे तो आपको हेलमेट की जरूरत नहीं होती है। तो जैसे एंटर हुए एंड उसने बोला कि अशोक को डॉक्सी बोलता है वो, डॉक्सी कम ऑन, देखा उन्होंने कि भाई रिकी पॉन्टिंग और सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने आ रहे हैं, तो उन्होंने ये बोला कि अशोक मैनर को बोला कि बॉल डाल, और मैं हाफ पिच पे खड़ा हूँ, बीच में खड़ा हूँ, मैंने कहा ये क्या कर क्या रहे हैं, अभी तो बोला तो तेज डालेगा, फिर मैंने हेलमेट मंगाया। सो ही इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल कैप्टन, किस टाइम पे क्या भी कर सकते हैं। पोलार्ड उसी मैच में अंदर आया तो स्लिप और शॉर्ट लेग बचा दिया। T20 में आपको कभी भी बैट्समैन के पास हेलमेट पहन के आदमी नहीं दिखेगा, वो टेस्ट मैच में नहीं दिखेगा, दिखेगा, बट शेन वॉर्न करेक्ट, की ब्यूटी हुआ है। और शेन वॉन, राहुल भाई की अंडर में मैं खेला, प्रिविलेज, मैं सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म उनके अंडर में किया कि उनको एग्जैक्टली ये पता है कि किस बंदे को किस टाइम यूज करना है। वो बहुत बहुत अच्छी फॉर्म में थे, जयपुर के जितने मैच खेले उन्होंने हर मैच में 40+ बनाए थे। हाँ, एक मैच में बहुत जबरदस्त स्टार्ट मिला था हमको जयपुर में, जब जॉनसन और तेज डाल रहे थे मलिंगा मुंबई के सामने, उन्होंने बोला याजी तुम जाओ वन डाउन, तो मैंने बोला कि ओके पाजी मुझे करना क्या है, बोले कुछ नहीं जा और अपने आप को एक्सप्रेस कर, बता इनको कि तेरे पास क्या स्किल है। तो उस मैच में शायद मैंने 21 बॉल पे 36 ऐसे कुछ रन बनाए थे। तो वो उनको पता है हमेशा, एग्जैक्टली कि किस टाइम पे क्या क्या देने को कहाँ यूज करना है। मैं देखा था आपने आपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी फिर बोला था कि आज द्रविड़ सर ने मेरे को मौका दिया वन डाउन खेलने का, मेरे पे विश्वास दिखाया कि जाके अपना स्किल दिखाओ, और आज मैंने इतना अच्छा खेला, वो मैंने आपका इंटरव्यू हाँ, देखा हुआ है। रमीज रजन लिया हाँ था, हाँ हाँ इंटरव्यू। इंटरव्यू। अच्छा, इसी से ही रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है, क्योंकि शेन वॉन सर की बात निकल के आई, तो उस टाइम पे ना एक बड़ा ही फेमस तरीका था टीम में पनिशमेंट देने का, आपको याद है वो? टिंकी पिंकी डॉल, टिंकी डॉल, आपको बताना चाहोगे उसके बारे में व्यूअर्स को? आपको हाँ मेरे को मिल चुकी है 3 बार, 3 बार पिंकी डॉल मिली हुई है? पिंकी डॉल मिल भी चुकी है और एक बार चंडीगढ़ एयरपोर्ट में मुझे रोक भी लिया, क्या है ये, क्या लगा रहा, क्या है यार, उसको समझाना पड़ा सर ये पिंकी डॉल है। मैं सबसे टिंकी
इनकेडोर मुझे मिली थी, मैं मेरे नए बैट्स आए हुए थे एसजी के, जो जो मेरा स्पॉन्सर था, तो वो बैट्स क्या सीधे ग्राउंड पे आए थे, तो वो जो उसके खोखे होते हैं ना, जो कार्टून होते हैं, तो वो कार्टून, तो उसमें क्या किया मैंने बैट निकाल निकाल के चार बैट आए थे, मैं चारों बैट कार्टून से निकाल के उसमें ग्रिप चढ़ा के रख रहा था, तो कार्टून वहीं पर रख दिया कि वापस कार्टून में डाल के मैं ले जाऊंगा। तो जल्दी जल्दी में जब प्रैक्टिस खत्म हुई तो बैट तो वहीं छूट के कार्टून मैंने किट बैग में डाल लिया। तो हमारा जो लॉजिस्टिक मैनेजर था उसने कहा ये खाली खोखे किसके हैं, तो ये बात सेन वन को बता चलेगी, फिर मुझे पिंकी पकड़ा थी वो। उसके बाद हम चंडीगढ़ गए थे, तो चंडीगढ़ में जैसे उतरे तो लोग देखने लग गए ये क्या है यार, हाथ में डॉल है, उनको आइडिया नहीं था ना, तो मेरे को पुलिस बोलता अरे ये क्या है सर जी, चिंता मत करो कुछ, ये पनिशमेंट है। ये चीज हमारे साथ भी हुई थी। हम लोग एक ना आफ्टर पार्टी प्ले कर रहे थे, मैं और चीकू भाई एक आफ्टर पार्टी प्ले कर रहे थे। तो उस आफ्टर पार्टी में आपको अगर ध्यान हो तो एक आफ्टर पार्टी हुई थी जिसमें यहाँ से शेन वॉटसन डीजेइंग कर रहे थे, तो वो हमारे कंसोल पे आ गए ना, शेन वॉटसन खुद म्यूजिक बजा रहे थे। और उधर बैंगलोर में वहां पे पार्टी चल रही थी बैंगलोर की टीम की, और वहां से क्रिस गेल डीजेइंग कर रहे थे। तो जब वॉटसन प्ले कर रहे थे ना, तो पीछे से ब्रैड हो जाए हाथ में डॉल लेके, पिंकी डॉल, और मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैंने कहा इतना बड़ा आदमी है ये डॉल लेके क्यों घूम रहा है। फिर मुझे पता चला कि अच्छा ये डॉल वाली पनिशमेंट चल रही है, कि जिसको पनिशमेंट देना है ना उसको डॉल के साथ सब जगह घूमना है। मतलब वो रात को पार्टी में आ रहा है तो भी डॉल के साथ आ रहा है। सब जगह जब तक दूसरा किसी को कोई गलती नहीं करे तब तक आपको, जैसे आप कोई भी फंक्शन में भी जा रहे हो, कोई आपके स्पॉन्सर के फंक्शन होते हैं उसमें भी जब आप बैठे हो तो आपके लैप पे उस डॉल को बिठा के रखना है, बैठा और के रखना पब्लिक है, हंसती है फिर। पब्लिक हंसती है। लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है पनिशमेंट देने का, कि आप किसी को वैसे हाँ फिजिकल पनिशमेंट दो कुछ दो, एक ऐसा पनिशमेंट जो बंदा मैरेज हो जाए कि अब तो ये डॉल मेरे पास से जानी चाहिए वापस। ये बहुत अच्छा उनका तरीका था, और बिल्कुल ये बहुत हेडलाइंस में भी आया था। अच्छा, मेरा एक फ्रेंड है प्रज्वल गुप्ता, उसने ये क्वेश्चन पूछा आपके लिए कि आपको क्या लगता है इस साल आईपीएल होगा, और अगर होगा तो जैसे न्यूज आ रही है कि बिना क्राउड के करेंगे, तो क्या लगता है आपको कि क्राउड के बिना खेलने में प्लेयर्स को मजा आएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो होगा, ये तो मुझे भी लगता है कि 100% होगा, और बीसीसीआई को जब भी लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली बीसीसीआई विल बी द मेन होल एंड सोल, तो उनको जब भी लगता है कि ये सुटेबल टाइम है, सेफ्टी रिगार्डिंग सब कुछ सॉर्टेड है, प्लेयरों की सेफ्टी प्रायोरिटी जो उन्होंने बताया गया है कि प्लेयर की सेफ्टी एकदम प्रायोरिटी है, और हम लोगों को खाली स्टेडियम में खेलने में कोई प्रॉब्लम, हमको खाली स्टेडियम प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि रणजी ट्रॉफी में भी हम खाली स्टेडियमों में खेलते हैं, बहुत ज्यादा क्राउड नहीं आ रहा, लेकिन क्राउड की सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है, तो वी वॉन्ट माइंड कि खाली स्टेडियम में हो, बट लेकिन अल्टीमेटली द बॉस इज बीसीसीआई, और वो जैसा बोलेंगे वो करेंगे। अच्छा, आपकी तरफ से मेरे को लग रहा है कि थोड़ा कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, आप एक बार अपनी तरफ से कट करके वापस ज्वाइन करेंगे? श्योर, अब आप एक बार अपनी तरफ से कट करके वापस ज्वाइन करो। अच्छा ओके, ये एक और सवाल आया है, आवाज आ ये रही है? सर, हाँ, एक और सवाल है, ये कृष्णा सैनी की है, ये भी वो क्रिकेट सीख रहे हैं। तो इन्होंने सवाल पूछा, अरे वापस कट गया क्या? थोड़ी सी नेटवर्क में दिक्कत आ जाती है, मैंने नोटिस किया आधे घंटे का सेशन चलने के बाद ना दिक्कत आ ही जाती है, पैसा मिलना चाहिए बस खेलेंगे अंकित वशिष्ठ। सही है भाई, सही है, मैं आपके सवाल भी लूंगा अंकित भाई एक बार, बस मेरे दो तीन सवाल और बाकी हैं, वापिस ज्वाइन करते हैं दीक्षांत भाई को। हेलो, हाँ, अच्छा ये ये कुछ एक इसका प्रॉब्लम है सवाल क्या, है, टाइमिंग टाइमिंग का प्रॉब्लम है क्या इसमें, इंस्टाग्राम पे कुछ इसमें टाइम? 1 घंटे बाद कट जाता है, तो अभी अपने पास 20 मिनट है, टाइम तो 20 मिनट है, हाँ लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क हाँ में मेरे को लग रहा है कि दिक्कत आ रही है। तो मेरे दो तीन सवाल है, फटाफट फटाफट फिनिश करते हैं इनको। डीजे डीजे हानी है दुबई से, वो हाय बोल रहे हैं आपको। डीजे हानी भाई बहुत हाय हाय सीनियर हेलो सीनियर डीजे हैं, और अंकित अंकित वशिष्ठ के अंकित, क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो वो भी अपन लेंगे। मेरे क्वेश्चन है, हाँ अंकित डाल रहा है मस्त कमेंट। हाँ, एक कृष्णा कृष्णा सैनी का एक कमेंट है कि लेग स्पिनर या को कैसे खेलें, और जो लेफ्ट आर्म बॉलर होता है,
मतलब इसके के लिए क्या हमें स्टांस चेंज करने की जरूरत है? एक बार रिपीट करिए प्लीज, सर्विस बीच में कट हो गया, लैग हो गया। हाँ, क्वेश्चन ये है कि या तो कोई लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहा हो या कोई लेफ्ट आर्म बॉलर हो, इन दोनों की बॉलिंग में क्या हमें स्टांस चेंज करने की जरूरत है? नहीं, अल्टीमेटली जो भी स्पिनर पे आप खेल रहे हो, आपको दिक्कत आ रही है, तो सबसे मेन जो दिक्कत आ रही कृष्णा आपको, जैसे जैसे एक सिंपल आपको इस तरीका बताता हूँ, कोई भी मीडियम प्रेशर पे आप खेलते हो, फिर आप स्पिनर पे खेलते हो, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो पेस को जज करता है। तो क्या होता है कि फास्ट बॉलर होता है वो हमेशा 120 के ऊपर वाली बॉले स्पीड आती है, स्पिनर आते हैं वो 80 पे, तो वो 40 किलोमीटर पर आवर का जो पेस का जो वेरिएशन होता है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड फटाफट फटाफट उसके अंदर एंगेज नहीं होता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको स्टांस चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ किसी भी बॉल पे कमिट जल्दी नहीं होना है। तो क्या होता है कि जब भी स्पिनर आता है तो आपका माइंडसेट होता है सबसे पहले कि मुझे स्पिनर को, बहुत सारे लोग फ्रंट फुट पे ही खेलना पसंद करते हैं क्योंकि उनको एलबी बैक फुट पे जाके एलबीडब्ल्यू नहीं होना होता है। उस चक्कर में वो क्या करते हैं, वो लेंथ को नहीं खेलते, वो सीधा लाइन को खेलते हैं, तो वो हर बार वो लाइन पर कमिट हो जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल स्टेप आपको देता हूँ, इस 15 सेकंड की टिप को अगर आप सुनेंगे तो आपकी क्रिकेट स्पिनर पे इंप्रूव हो जाएगी। जब तक बॉलर के हाथ से बॉल छूटे और 1 या 2 या 3 मीटर ट्रेवल करे, तब तक आपको किसी भी बॉल पे कमिट नहीं होना है, ना फ्रंट फुट पे जाना है ना बैक फुट पे जाना है, ठीक है। उसके साथ एक और चीज है, अगर आपको लगता है कि आपका एनर्जी ब्रेक करना है, तो आगे वाला पैर हल्का सा प्रेस कीजिए, उसके बाद बॉल की इंफॉर्मेशन लेके बॉल के ऊपर जाइए। क्योंकि आप डांस करने की, चेंज करने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप हर बार जो ऑप्शन पे बॉडी मैकेनिज्म होता है वो गिर जाता है ऑप्शन के बाद, इसलिए आपको लगता है कि भाई मैं बॉल के ऊपर जल्दी कमिट करूँ। तो आपको बस उस चीज का ध्यान रखना है कि जब तक बॉल छूटे नहीं हाथ से, तब तक आपको कमिट नहीं होना है, आपकी बॉडी को गिरने नहीं देना है, बैलेंस में रखना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, ठीक है। गुड लक। थैंक यू इसके लिए। इसी कृष्णा सैनी का ही एक और क्वेश्चन है, और ये वाला वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहे हैं कि भैया मैं हर मैच में 40-50 रन बनाने के बाद आउट हो जाता हूँ, मैं अपनी इनिंग्स को आगे बिल्ड नहीं कर पाता, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? तो सबसे सिंपल है कि अगर आप स्कूल में 4 पत्ते लिखते थे रोज, तो आपको आपकी एक बन चुकी है कैपेसिटी कि आप 4 पत्ते लिखोगे। 4 पत्ते के बाद जैसे 5वां पत्ता लिखोगे तो आपको आप फील करोगे कि यार मैं थक रहा हूँ, क्योंकि आपके मसल मेमोरी में और सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड है 4 पत्ते। ऐसे जब आप प्रैक्टिस करते होगे आपके एकेडमी में, तो मैक्सिमम आप 20-25-30 मिनट प्रैक्टिस करते होगे बैटिंग की, मैक्स मैं गारंटी लिख देता हूँ। तो जब तक अगर आपको 100 रन बनाने, तो 100 रन बनाने के लिए आपको 3 या 4 घंटे आप बैटिंग करते हो, तो मेरे को लगता नहीं आप ये 3 या 4 घंटे उतनी फोकस से बैटिंग करते हो। आपका फोकस रहता होगा पहले प्रॉपर 30 या 15 या लगाकर 30 मिनट के बीच में फोकस रहता होगा। जैसे आप 40 पे पहुंचते हो वो फोकस का जो स्लैब है वो खत्म हो जाता है, फिर आपका फोकस चला जाता है। तो जब आप, इसलिए बोलते हैं कि जब आप बैटिंग करने जाते हो अंदर, तो आपका रिदम सेट करता है टाइम के साथ। तो आप जब मेहनत करोगे, 3 घंटा बैटिंग करोगे, भले आप टुकड़ों में करो कोई बात नहीं, 1.5 घंटा किया, 5 मिनट ब्रेक लिया, क्योंकि ड्रिंक्स ब्रेक भी होता है ना मैचेस में, ड्रिंक्स ब्रेक भी होता है, आप ये सोचो कि ड्रिंक्स ब्रेक ले रहे हो 10 मिनट का, फिर स्टार्ट हो जाओ 1.5 घंटा, सुबह 3 घंटे सेशन किया, भले शाम को फिटनेस और फील्डिंग करो, अगले दिन सुबह फील्डिंग फिटनेस करो, शाम को 3 घंटा बैटिंग करो। तो वो 3 घंटे बैटिंग करने, लगातार बैटिंग करने का जो भरोगे आप लैप सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, तब जाके आप फिर आप 40 पे आप फोकस नहीं खोगे। एक ये क्वेश्चन है जित्सा दिकोलो का, दिकोला, जित्सा दिकोला का है कि आपको क्या लगता है जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में अब इंटरनेशनल मैचेस होंगे? नहीं होंगे, नहीं ये सवाल आया, मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने ये पूछा है। 100% होंगे, नहीं, 100% होंगे, आरसी बन चुकी है, 100% होंगे। आप रुकिए, वेट, ये सब हो जाने, ये पेंडेमिक जाने दीजिए, यू विल गेट बेस्ट क्रिकेट, अभी बेस्ट क्रिकेट आना बचा है, डोंट वरी, अब अच्छा, अच्छा आएगा। एक और सवाल है कि ऐसा कोई बॉलर जिसको फेस करने में आपको डर लगता था? डर तो नहीं लगता, लेकिन मैं बहुत, मतलब मैं बहुत टाइम लगा मुझे उसको समझने में, उस बॉलर को समझने में, मतलब ऐसा लगा कि एक्चुअली वो जो करना चाह रहे हैं खुद कर रहे हैं कि अपने आप हो रहा है। मैंने खेल, जहीर खान की बात कर रहा हूँ, मैंने उनके साथ 3 या 4 बार खेला हूँ मैं, और जब भी मैं जो चीज एक्सपेक्ट करता हूँ बॉल छूटने के बाद, वो उससे अलग होती थी। तो
ही इज वन ऑफ द बेस्ट विद द स्किल. और उनकी सीन अगर सबको दिमाग में याद हो गया, जहीर खान उनकी सीन सीधी चलती थी. तो जब सीन सीधी चलती है ना, तो आप ये नहीं बता सकते कि वो बॉल अंदर आएगी या बाहर जाएगी. जाएगी तो गिर के हाँ, वो गिरेगी, उसके बाद कौन सी काटा बदलेगी आपको भी नहीं पता है. तो बहुत लेट खेलना पड़ता था, तो बहुत डिफिकल्ट है. डर तो नहीं लगता, लेकिन वन ऑफ द टफेस्ट बॉलर टू प्ले. ओके, अब एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है, जो आपको पहले जवाब आपके दिमाग में है वो आपको बताना है, ठीक है? आपका करंट फेवरेट सॉन्ग? करंट फेवरेट सॉन्ग अभी का ना, करंट अभी का तो बहुत सारे हैं, लेकिन चलो आप कोई सा भी बता दो, आपको वैसे ही बताना. हाँ, अभी मैं अभी जो बहुत ज्यादा सुनता हूँ मैं, ये तमाशा का तू कोई और है. तू कोई और है, तमाशा मेरी मेरे को बहुत आपकी फेवरेट वेब सीरीज? वेब सीरीज अभी जो ऑस्ट्रेलिया की आई है, नहीं मुझे बहुत अच्छी लगी, वेरी गुड, वेरी मोटिवेशनल. आपका फेवरेट एक्टर राइट नाउ तो अभी रणवीर सिंह नंबर वन है. रणवीर सिंह. और आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? एक्ट्रेस बहुत सारी है, बट प्रियंका चोपड़ा आपका फेवरेट खाना? बटर पनीर मसाला फ्रॉम चाइल्डहुड. बटर पनीर मतलब मेरे लिए बोलते थे कि ये क्रिकेटर जितने भी बैठे हैं, भाई ये किसका ऑर्डर करी दो, बट वो मांगी गई. ओके, आपकी फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन इंडिया में और इंडिया के बाहर? इंडिया में तो शिमला बोलूंगा, मुझे शिमला कुल्लू मनाली बहुत अच्छा लगता है. और इंडिया इंडिया से बाहर 100% पेरिस. ये मैंने आपके एक पुराने इंटरव्यू में भी देखा, राजस्थान रॉयल्स का एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी आपने बोला था कि मेरे को आउट ऑफ इंडिया पेरिस बहुत पसंद है. अच्छा, आपका फेवरेट इंडियन बैट्समैन और फेवरेट इंटरनेशनल बैट्समैन? फेवरेट इंडियन बैट्समैन दो है मेरे पास, एक नहीं है, मेरे दो है. विराट कोहली और सचिन, और इंटरनेशनल ब्रायन लारा. ब्रायन लारा. ओके, आपका फेवरेट इंडियन बॉलर और इंटरनेशनल बॉलर? इंडियन बॉलर भी बहुत सारे हैं, लेकिन जहीर खान इंडियन बॉलर, और इंटरनेशनल में ग्लेन मैकग्रा. हाँ, बहुत ही अच्छा. उनकी भी सी पता नहीं, वो स्विंग कहाँ होती थी पता ही नहीं चलता था, किधर घूमती थी बॉल, और इतना एफर्ट. मैंने मेरे हिसाब से उनका जो बॉलिंग एक्शन है ना, इतना एफर्टलेस बॉलिंग एक्शन है ना, छोटे से रनअप, ज्यादा बहुत कोई लंबा रनअप नहीं होता था, और इतने प्यार से डालते थे कि पता नहीं चलता था कितनी स्पीड से आएगी बॉल. उनके एक्शन से पता नहीं लगता. हाँ, उनको 3 बजे उठा के भी बोलोगे तो वो बाउंस वही होता है. मतलब अगर उनका अगर पिच मैप देखोगे ना, बॉल का पिच मैप, तो ऐसा लगेगा कि एक ही जगह खड्डा कर रखा है. एक ही जगह खड्डा कर रखा है, करेक्ट. वो उनकी मतलब लाइन और लेंथ बहुत ही प्यारी थी. अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है. अगर आपको एक वरदान मिले कि आपकी कोई भी एक विश अभी की अभी पूरी हो जाए इसी वक्त, तो वो क्या होगी? मेरे को इंडिया का फील्डिंग कोच बनना है. और कोच बनने के बाद इंडिया बेस्ट फील्डिंग टीम बने, बेस्ट फील्डिंग जो कि अभी है. जो कि अभी है. हाँ, बहुत अच्छी फिटनेस है अभी. अभी अभी की टीम की, पूरी टीम की इनफैक्ट बहुत अच्छी फिटनेस है. सभी अपनी फिटनेस पे बहुत मेहनत कर रहे हैं. सुपर, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे. आज ही रविंद्र जडेजा ने एक वीडियो डाला जिसमें वो ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं 24 की स्पीड पे. हाँ, वो रविंद्र जडेजा ने अंकित वशिष्ठ का क्वेश्चन है कि डू यू मिस श्री अजीत अनिकेत? नॉट एट ऑल. अच्छा, एक ये है याग्निक प्रतीश का कि आरसी के होटल में खूब मस्ती करिए. मेरा भाई है वो, तो वो वहाँ पे पढ़ता. अच्छा. था जयपुर में. हाँ, जयपुर पढ़ता था, और उसको एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलता था वहाँ पे कि दिशांत का भाई है छोटा सा, इसका बहुत ध्यान रखते थे जितने भी शेफ वगैरह थे, तो उसको दिन याद आ रहे हैं. लॉकडाउन में बेचारा खुद ही खाना बना रहा है अहमदाबाद में, तो याद आ रहे हैं. अच्छा, ये शिवांशु सोनी का क्वेश्चन है, हाउ टू इम्प्रूव रिफ्लेक्सेस? रिफ्लेक्सेस वेरी गुड क्वेश्चन है यार. बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि रिफ्लेक्सेस करने के लिए आपको बॉल के साथ बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत सारे कैचेस करने पड़ते हैं, जो कि एक परसेंटेज के लिए ठीक है, लेकिन जब तक आप अपनी फिटनेस इंप्रूव नहीं करोगे,
रिफ्लेक्सेस इंप्रूव हो नहीं सकते हैं. यू हैव टू बी वेरी लाइट, यू हैव टू बी बैलेंस, और बैलेंस ही आपको रिफ्लेक्स प्रोवाइड करता है. क्योंकि जब आप खुद की बॉडी का बैलेंस ही संभालते रहोगे तो आप रिएक्ट लेट करोगे. अच्छा, ये क्वेश्चन है हर्ष का. ये पूछना चाह रहे हैं कि राजस्थान रॉयल्स में आपका फेवरेट प्लेयर या फेवरेट पर्सन कौन है? संजू सैमसन, हैंड्स डाउन, एनी टाइम. 2013 से हम दोनों साथ में हैं. 2013 से हम दोनों साथ में, हमारी बॉन्डिंग ऐसी है कि बस में हम साथ में होते हैं. आपने वीडियोस वगैरह बहुत देखे होंगे. बस में हम हमेशा साथ में होते हैं. रूम्स में खाना वाना मंगाया तो उपाधि मंगा लो, कुछ भी खा लेंगे. खाना हम साथ खाते हैं. टीम रूम में हम बैठेंगे साथ में. एक ऐसा हो गया कि अगर कोई पास से कोई बंदा गया और हम आपस एक दूसरे को देख रहे हैं तो हम आंखों से बता सकते हैं कि हम दोनों की फीलिंग क्या उस टाइम सेम होती है. तो हम आंखों से बता सकते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ, तू भी वही सोच रहा है. फिर बाद में कंफर्म करते तू सोच रहा था, हाँ मैं ही सोच रहा हूँ. सही है. एक ये मिहिर का कमेंट है, ये क्वेश्चन नहीं है पर कमेंट है, स्टीव अनस्टॉपेबल स्मिथ, बिग फैन ऑफ आरआर एंड स्टीव स्मिथ. ये कमेंट आया था. और ये अंकित, हाँ अंकित वशिष्ठ का आपके लिए एक बहुत अच्छा कमेंट आया, दिशांत भाई वाज वन ऑफ द मोस्ट हम्बल चेयरफुल गाय, ही नेवर शो ऑफ, डाउन टू अर्थ, इनोसेंट, लव दिस गाय मैन इन हिज ग्रुप, ही इज द ओनली वन हु केम अलोंग. थैंक यू सो मच. क्या हाल है ये शक्ति? अभी तो अंकित वशिष्ठ भाई हैदराबाद में है, हैदराबाद में पोस्ट है उनके. हाँ, हैदराबाद मैरियट में. अच्छा, ये शक्ति सोनू की एक कमेंट है, याग्निक भाई अब आपका क्रिकेट में सपना क्या है? मेरे देखो ऐसा ओवरऑल सपना तो सबको पता है कि मुझे फील्डिंग कोच बनना है इंडियन टीम का. क्योंकि मैंने रिटायरमेंट इसलिए लिया कि मैं इंडिया के लिए खेल नहीं पाया, लेकिन इंडिया के लिए कोच बनू मेरा सबसे पहला सपना है. लेकिन मैं ना बहुत कम लोगों को पता है कि मैं किस तरह बेस्ट टाइमिंग बताने का. जब भी आईपीएल की ट्रॉफी जब प्ले ऑफ पहुंचते हो या प्ले ऑफ होने वाला होता है तो आईपीएल ट्रॉफी आपके डगों के जस्ट राइट साइड में रखी होती है, जस्ट पास में रखी होती है. हाँ, जस्ट राइट साइड में रखी होती है. तो मेरा ऑब्सेशन, मैं देखता था हमेशा कि यार शुरू से 2011 से यार वो ट्रॉफी कब हाथ में टच कर पाऊंगा. तो 11 12 13 14 15 16 मतलब अभी 2020 आ गए हैं. तो मेरे को ना एक बार वो आईपीएल ट्रॉफी का सर पर रख के फोटो खिंचाना, सर पर रख के फोटो खिंचा. ये ड्रीम तो हमारा भी है, हमें भी पास से देखने को मिल जाए कभी ट्रॉफी. हमें भी नहीं मिली आज तक कभी देखने को. आप लोगों को तो फिर भी पास में रहती है. हमारा तो डीजे कंसोल इतना दूर होता है, हमें तो कुछ दिखता ही नहीं है वहां से. हम तो सिर्फ म्यूजिक ही बजाते रहते हैं. एक बार जीत जाएंगे तो सबकी गोदी में रख देंगे ट्रॉफी, ऐसी क्या बात है. हाँ, हमारा भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, हम भी मेहनत करते हैं. हम भी सुबह 10 बजे से स्टेडियम आए होते हैं. ताकि अपनी ये टीम को सपोर्ट करें. टॉकी के बाद जब हल्ला बोल बजता तो अलग अंदर घूस बम आते हैं. आपको क्या पता, हम तो अंदर से डगआउट, अब कोच बन गया तो डगआउट में फील करता है, अंदर जा नहीं सकते खेलने, डगआउट में अपने आप को कंट्रोल करते हैं. इसके बारे में बताओ ना कि भाई स्टेडियम में जो म्यूजिक बजता है, मेरे हमेशा ना मेरे मन में ये क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई हम लोगों के जो स्पीकर्स प्लेस होते हैं स्टेडियम में, वो हमेशा क्राउड की तरफ फेस किए हुए होते हैं, स्टेडियम की तरफ होते नहीं क्योंकि वहाँ प्लेयर्स प्ले कर रहे होते हैं, है ना. तो क्राउड की तरफ होते हैं और म्यूजिक बहुत लाउड होता है, हम बहुत पावरफुल सिस्टम लगाते हैं. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि अपना एसएमएस स्टेडियम जो है, हम जब वहां बजाते हैं म्यूजिक तो वहां से करीब 2 किलोमीटर दूर एक हॉलीडे इन होटल है, वहां के छत तक आवाज आती है, है ना. क्योंकि वहां पे मेरे है ना, हाँ 22 गोदाम वाला जो हॉलीडे इन है, तो वहां पे 2-3 साल पहले की बात है, मेरे एक दोस्त वहां पे गया हुआ होगा, उसने बोला भाई मेरे को यहाँ तक आवाज आ रही है. तो इतना पावरफुल साउंड सिस्टम होता है ना, क्राउड तो एंजॉय करता है. लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो प्लेयर्स अंदर प्ले कर रहे होते हैं, जो उस टाइम पे ग्राउंड के अंदर होते हैं, क्या वो भी वो म्यूजिक सुनते हैं और क्या वो भी एंजॉय करते हैं उसको अंदर ही अंदर? अरे बिल्कुल एंजॉय करते हैं. वीडियोज उठाओ, बहुत सारे विराट देखो, शिखर देखो, डांस करते हैं यार. जब फील्डिंग पे होते हैं, बाउंड्री पे होते हैं, तो गाना बज रहा होता है तो दे यूज टू डांस. मतलब अच्छा मूड, लाइक आप टेंशन में होते हो, आप प्रेशर में होते हो और सडनली थोड़ा सा अच्छा करते हो. और मुझे तो चौकों के बाद जो गाना बजता है ना, कोई से गाने मेरे दिमाग में, उस टाइम जब खेलता था तो मुझे याद है कि मैं जब ये बॉल पकड़ी या ये चौका मारा तो उसके बाद एग्जैक्टली कौन सा गाना बजा था. तकदे इंडिया वाला गाना एक बजा था जब मैंने इसको अपरकट मारा था, चेन्नई सुपर किंग्स सामने मैच था, मैं अपरकट मारा ऐसे करके पॉइंट के ऊपर से, और वो तकदे इंडिया बजा था.
तो मैं सिर्फ पिच पे ऐड कर रहा था और गाना गा रहा था साथ में, तो वो डीजे का वो जो एनर्जी मैं आपको बोल रहा था ना कि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है कि नहीं कुछ करना है, तो वो बहुत बड़ा रोल है आपका, तो आपको कब जरूर आपकी गोदी मिलेंगे, चिंता मत करो। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच। मेरे को याद है कि 2013 की बात है जब श्रीसन थे टीम के अंदर, तो एक ऐसे ही आफ्टर पार्टी में मेरा उनसे मिलना हुआ था, तो उन्होंने बोला था रवीश भाई मैं बाउंड्री पे जब खड़ा होऊंगा ना तो मेरे लिए वो हमें चलाना, ठीक है। तो मैं वो बात भूल गया। नेक्स्ट मैच में जब मैं प्ले कर रहा था तो वो बाउंड्री के पास आके जोर जोर से चला रहे बोल हमें। तो मैंने कहा अच्छा भाई इनको भी सुनने हैं गाने, इनकी भी रिक्वेस्ट है, क्लब्स में तो हमें करते ही है लोग रिक्वेस्ट, यहाँ पे भी हो रही है। अच्छा एक और ये क्वेश्चन है यश का कि दिशांत सर प्लीज एक्सप्लेन ट्रिगर मूवमेंट के बारे में। हाँ ये कीपिंग में ट्रिगर मूवमेंट, हाँ कीपिंग में ट्रिगर मूवमेंट के बारे में बताओ। नहीं कीपिंग में ट्रिगर मूवमेंट नहीं होता कुछ, कीपिंग में ये होता है कि आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी में रहते हो, तो कीपिंग में ये तो बहुत वाइड रेंज का क्वेश्चन है, इसको एक घंटा भी लगता है, लेकिन छोटा सा समझा देता हूँ मैं आपको। क्या होता है कि जब आपको बॉडी को मूवमेंट करना होता है तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रहना होता है, तो उसको एक क्राउड पोजीशन जब आप बैठे होते हो तो जब आप खड़े होते हो तो आपका बैलेंस आइदर लेफ्ट या राइट जाना होता है, तो अगर आप बॉल गिरने के पहले ही चले गए तो क्या होता है बहुत सारे लड़के जब ऑप्शन में बोल रहा था तो बहुत ऑप्शन के बाहर बैठ जाते हैं कि बॉल यहीं फिनिश होगी, पर सडनली जैसे ही उनको लाइन दिखती है कि स्टंप पे लाइन है तो वो अपना जो लेफ्ट लेग है उसको अलाइन करते हैं उस लाइन से, तो लेफ्ट की तरफ झुक जाते हैं। अब जब बॉल बैट की एज लग के जब राइट साइड में आती है तो हिल नहीं पाते हैं, तो वो उस ट्रिगर मूवमेंट की बात कर रहा होगा कि जब खड़े होते हैं तो पैर किस तरफ जाना चाहिए, आपको किसी तरफ नहीं जाना है, आपको अपने नाक की स्ट्रेट लाइन में आपको बॉलर दिखना चाहिए कि बॉलर का रिलीज पॉइंट दिखना चाहिए, इतना ही सीधा खड़ा रहना है, ना आपको बहुत ज्यादा बाहर खड़ा रहना है ना बहुत ज्यादा अंदर खड़ा रहना है। ट्रिगर मूवमेंट जो आप बोल रहे हो वो आपका बैलेंस को डिसबैलेंस करेगा, क्योंकि आप पहले से अगर कोई पैर फेंक दोगे और उसके रिवर्स साइड में अगर कैच आएगा तो आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि वंस यू गो वन साइड इम्पॉसिबल टू गो अदर साइड, क्योंकि आपका पूरा वेट इसके पैर पे है। तो कोशिश करो कि नाक के सीध में बोलर का रिलीज पॉइंट देखो और उसके बाद इन्फॉर्मेशन लो, जितनी अच्छी बॉल की इन्फॉर्मेशन लोगे उतना सीधिंग करोगे। ओके एक और ये क्वेश्चन है शक्ति सोनू का कि दिशांत भाई आपका सबसे पसंदीदा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? ये चित्तौड़गढ़ से है। अच्छा नमस्ते शक्ति भैया, हाँ क्या क्वेश्चन है इनका? आपका पसंदीदा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? देखो मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव करी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बल्क में अचीव करी वो एसएमएस स्टेडियम में अचीव करी है, तो मेरा तो एसएमएस स्टेडियम ही है। एसएमएस स्टेडियम, और वैसे एसएमएस स्टेडियम देखा जाए तो मतलब खेलने के हिसाब से पिच वाइज सबसे अच्छा स्टेडियम मैं भी उसको मानता हूँ, पिच बहुत अच्छी है यहाँ की, पिच बहुत अच्छी है। तपोष सर यहाँ के क्यूरेटर हैं, पिच बहुत अच्छी बनाते हैं। तपोष सर बहुत मेहनती आदमी है, हार्ड वर्कर, बहुत पहले से है। और मैं देख लेता हूँ और कोई क्वेश्चन हो तो, नहीं तो अपन इसको फिर वाइंड अप करते हैं, किसी का क्वेश्चन छूट ना जाए। बोल रहा है होम टाउन में कनेक्शन प्रॉब्लम, प्रतीक बोल रहा है मेरा भाई होम टाउन में कनेक्शन प्रॉब्लम है। हाँ प्रतीक थोड़ी सी लग रही है यहाँ बांसवाड़ा में, मैं उदयपुर से इधर आ गया हूँ तो इधर आके मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम। मैं यही सोच रहा था कि जब ऑनलाइन जाऊंगा तो प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, होपफुली एक ही बार हुआ है ना, एक ही बार हुआ ना? हाँ एक ही बार हुआ, और देख लेता हूँ मैं कोई क्वेश्चन हो तो, वो ये छूट जाते हैं ना क्वेश्चन, फिर बाद में मेरे को बहुत मैसेजेस आते हैं कि यार आपने मेरा क्वेश्चन नहीं लिया। एक ये आकाश शर्मा का कमेंट आया है, ये आकाश शर्मा अपने लॉजिस्टिक्स में है आरआर की टीम में, इनका कमेंट आया है कि इस बार भाई आईपीएल को बहुत मिस कर रहे हैं। सभी मिस कर रहे हैं यार आकाश भाई, एक्चुअली आईपीएल जान है इंडियन क्रिकेट की, तो सब मिस कर रहे हैं, बस एक बार हाँ और एक बार ये सब खत्म हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए, वैक्सीनेशन आ जाए, जो भी इसका फटाफट सफाया हो वायरस का, उसके बाद सब ग्राउंड पे उतरना चाहते हैं। आई होप कि आप लोग भी सब बेताब होंगे स्टेडियम में आने का, आके देखने के लिए, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी बाहर जाके एंजॉय करने के लिए, तो होपफुली फटाफट खत्म हो। देखिए विराट क्रिकेटर रिस्की लेजेंड का है कि सर मैं 18 साल के बाद एकेडमी ज्वाइन कर सकता हूँ विराट, मुझे बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैं क्रिकेट इस टाइम पे खेल सकता हूँ क्या, सर मैं कैसा खेल सकता हूँ क्या, सर मैं इंडियन टीम में जा सकता हूँ।
एक घंटा पूरा होने पे अपने आप डिसकनेक्ट हो गया था कनेक्शन। उनकी बात बीच में ही कट गई थी, तो मैं एक बार वापस उनको ज्वाइन करा के वो बात फिनिश करता हूँ और फिर ये लाइव सेशन भी एंड करते हैं। भाई वो एक घंटे का हाँ टाइमर रहता है ना, इसमें तो 1 घंटे में अपने आप कट हाँ जाता टाइमर, है। हाँ मुझे पता चल गया टाइमर का कुछ। हाँ तो उसको मैं बता रहा था कि क्रिकेट इज अ फुल्ली स्किल बेस्ड गेम, इट डजेंट मैटर क्या कितने साल के हो। तो अगर आप 18 साल के हो और आपके अंदर टैलेंट ऐसा है कि वो 25 साल वाला एग्जीक्यूट करता है, वो टैलेंट आपके अंदर है, अब 2 साल में भी स्टेट और इंडिया के लिए खेल सकते हो। लेकिन आप 28 साल के हो और आपके अंदर आपकी स्किल सिर्फ 12 साल वाली उम्र वाली स्किल है, तो सोचो आप 12 साल से कब इंप्रूव करना स्टार्ट करोगे, तब तक आप कहाँ पहुंचोगे। तो क्रिकेट इज अ फुल्ली स्किल बेस्ड गेम, आपकी स्किल डिसाइड करेगी। तो अगर मैं अगर आपको देख पाऊँ, आपकी स्किल देख पाऊँ, तो मैं आपको जरूर बता सकता हूँ कि आपको यहाँ से कितना टाइम लगेगा। तो इट्स अ स्किल बेस्ड गेम, इट्स नॉट अबाउट एज, इट्स अबाउट स्किल। और अपने तो राजस्थान रॉयल्स में एग्जाम्पल भी है प्रवीण तांबे जी का, जिन्होंने 40 की बिल्कुल, एज में शायद डेब्यू करा था, 40 की एज में डेब्यू करा था और उसके बाद वो खेले। हाँ बट स्टिल उन्होंने 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 जो प्रोफेशनल क्रिकेट है वो 16 साल की उम्र से स्टार्ट किया था। तो हाँ मतलब स्किल तो उनका है ही। डेब्यू, हाँ बड़े बड़े स्टेज पर डेब्यू बहुत लेट हुआ और फिर उसके बाद उन्होंने हैट्रिक भी ली थी। तो यू नो कि कुछ भी हो सकता है, एज का मैटर नहीं है, आपके पास वो टैलेंट और स्किल होना चाहिए। तो मेरे ऑब्वियसली सारे स्किल सवाल स्किल और डिसाइड करता है। मेरे सारे सवाल भी खत्म हो गए हैं और मेरे हिसाब से जनता के भी खत्म हो गए। तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, आपने ज्वाइन थैंक यू करा ये सो मच। सेशन, आपने इतनी सारी अपनी इनसाइट्स दी, है ना। अंकित भाई का एक और कमेंट प्लेजर आया प्लेजर। कि वो कह रहे हैं कि मुझे आपको लेकर हैदराबाद आना चाहिए पार्टी करने के लिए साथ में, तो कभी मौका बिल्कुल मिला चलेंगे। तो। अच्छा अभी हमने वैसे ये पार्टी करते नहीं है, मैं आपको बताता हूँ ये पार्टी करते नहीं है ना। मेरे कोलकाता में अभी इवेंट था तो इवेंट पे ही आए थे, लेकिन उन्होंने पार्टी करी नहीं है। आपने, आपको याद है आप कोलकाता मेरे इवेंट में आए थे, लेकिन जल्दी निकल गए थे, बोला यार भाई मैं पार्टी करता नहीं हूँ। उस टाइम जब छोटे थे तब ठीक है, आरआर की आफ्टर पार्टी में तो कंपलसरी होता था, ओनर्स आते थे तो ठीक है, एक बार आ जाते थे। बट लेकिन अब तो क्या है, पार्टी की उम्र ही नहीं। बट लेकिन अरे रवि रवि जबरदस्त बजाता है, मानता हूँ। उसने देखा थैंक यू तो सो मच भाई, थैंक यू सो इसकी इसकी मच। शादी में माउंट अबू में बजाया था, अनबिलीवेबल मजा आ गया था। अंश की शादी में, अंश की शादी में तो वो अंश पार्टी की तो बहुत शादी अच्छी में, थी, उसमें तो हमने शायद सुबह 4 या 5 बजे तक पार्टी करी थी। अरे वो पार्टी सुपर बहुत अच्छी सुपर थी, था वो, वो मजा आ पार्टी गया बहुत था। अच्छी थी। ग्रेट, हाँ तो थैंक यू ठीक है, रवि, थैंक यू, मजा आया थैंक यू मेरे सो को लाइव मच सेशन निशान में। भाई, आपसे बात करने में बहुत अच्छा था। मैं ये पूरा जो सेशन है ये डाउनलोड होके मेरे इंस्टाग्राम, मेरे यूट्यूब और मेरे फेसबुक तीनों पर जाएगा, तो मैं आपसे भी बिल्कुल लिंक बिल्कुल, शेयर करूंगा, आप भी अपने फैंस को शेयर करना ये लिंक जरूर, ठीक है। हंड्रेड और परसेंट थैंक यू हंड्रेड सो परसेंट, मच, थैंक यू आई सो होप कि ये मच। सब कुछ जल्दी खत्म हो और अपन मिले वापस पार्टी करते हैं कहीं पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय।